हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अंडर 15,000 की रेंज में तबाही वाले फोन है। वीडियो में आगे बने रहना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन इनमें से कौन सा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो मेरी नज़र में जो पहला स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, जो कि है पोको का X6 Neo। बात कर ली जाए अगर इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात कर ली जाए अगर इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और बात कर ली जाए इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की होती है प्रोसेसर, तो यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 6080 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। बात कर ली जाए इसके स्पीकर्स की, तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है स्पीकर में। और बात कर ली जाए इसके अगर फ्रंट फेस की, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बात कर ली जाए अगर इसके छोटे मोटी चीज की, तो यहाँ पर आपको टाइप सी मिल जाएगी। और प्लस यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो की आजकल 20-25 हज़ार के फोन में नहीं आती है, जो कि है 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, प्लस डुअल नैनो सिम के ये साथ आता है। बात कर लीजिए अगर इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आपको 12,999 में ये मोबाइल देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि निकल के आता है Realme का P1 5G। बात कर लीजिए इसके भी अगर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात कर लीजिए अगर इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए अगर इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर भी आपको Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यह 7050 प्रोसेसर है। बात कर लीजिए अगर इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 45 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्लस वही छोटी मोटी चीज जैसे कि यहाँ पर भी आपको टाइप सी सपोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक आप यहाँ पर भी घुसेड़ सकते हैं, प्लस डुअल नैनो सिम यहाँ पर भी घुस जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है मोटो की तरफ से, मोटो का G64 5G। बात कर लीजिए इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा Dimensity का, जो कि 7025 प्रोसेसर है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस स्पीकर में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और वही छोटी मोटी चीज टाइप सी प्लस 3.5 mm जैक एंड डुअल नैनो सिम यहां पर भी घुसेड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि होने वाला है सैमसंग की तरफ से, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G। बात कर लीजिए अगर इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्मॉलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि OIS के साथ आता है। बात कर ली जाए अगर इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात कर ली जाए अगर इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको Exynos का 1280 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी स्मार्टफोन की तरफ से, जो कि आता है वीवो की तरफ से, वीवो का T3X 5G। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात कर ली जाए अगर इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात कर ली जाए अगर इसके सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको SP का 6th Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, प्लस 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि 44 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। स्पीकर की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। और बात कर लीजिए अगर इसके भी प्राइस की, तो यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा 14,890 रुपीज। बाकी मुझे पता है कि मैंने बीच में दो तीन स्मार्टफोन के जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मोबाइल्स की लिंक मिल जाएगी, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों के प्राइस मैंने बताए नहीं आपको, इसीलिए मैंने लास्ट वाले का प्राइस बताया और फर्स्ट वाले का प्राइस बताया, क्योंकि ये जो सैमसंग गैलेक्सी और मोटो का और रियलमी का जो फ़ोन है, इनके प्राइस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए मैंने एक्यूरेट प्राइस आपको नहीं बताया है।
आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए। तो बात कर ली जाए जो कि मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, तो यहाँ पर विन करता है अपना पोको का X6 Neo। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।